अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ फ़िश। सर्दियाँ हैं, सर्दियों के मौसम में फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोग को फ़िश सिखा दूँ बनाना। मैंने जो इसके अंदर फ़िश यूज़ करी है वो वाइट पापलेट है। आप लोग कोई दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने वाइट पापलेट जो फ़िश है ये मैंने वेट में, मतलब इसको पूरा साफ वाफ करके सफाई करवाने के बाद ये जो है तकरीबन 1200 ग्राम्स है, 1 kg एंड 200 ग्राम्स। और जो है उसके अलावा मैंने इसमें लिया है सॉल्ट। सॉल्ट मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, नॉर्मल सॉल्ट नहीं लिया। आप चाहें तो नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं, 2 tablespoons। विनेगर 2 tablespoons। गार्लिक पेस्ट 1.5 tablespoons। सबसे पहले हम फ़िश के ऊपर ये मसाला लगा के, जो मैं बताएं 3 ingredients, ये लगा के रख देंगे ताकि जो फ़िश की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसको वॉश कर देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी किस चीज़ से मैरिनेशन करनी है। ये जो मैंने फ़िश मैरिनेट करके रखी थी 3 ingredients से जो मैंने आपको बताए थे, गार्लिक पेस्ट, विनेगर और नमक, मतलब इसकी स्मेल निकालने के लिए फ़िश की, उससे 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस फ़िश को अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके वॉश करने के बाद इसका सारा पानी ड्रेन आउट करके मैं इसको मैरिनेट करूँगी अजवाइन से। अजवाइन हम लेंगे 1 teaspoon। लेमन लेंगे हम 4 to 5 लेमन लेंगे हम, इसका लेमन का जूस में डालेंगे। उसके अलावा हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 3 tablespoons एंड सॉल्ट 1 tablespoon। अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको मैरिनेशन करते हुए दिखाऊंगी आपको। ये आप देख सकते हैं मैंने फ़िश को वॉश कर लिया है, जो मैंने इस पर मैरिनेशन की थी उससे पूरा वॉश कर लिया है। और फ़िश पे जो है मैंने डीप कट्स लगाए हुए हैं ताकि जो मैं इसकी अब मैरिनेशन करूँगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए थे, अब मैं इसमें वो चीज़ें ऐड कर रही हूँ। अजवाइन, सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च और मैं इसमें ऐड करूंगी लेमन जूस। इसी तरीके से हम इसमें सारे लेमन्स जो थे, तो मैंने आपको बताई थी क्वांटिटी 5 to 6 लेमन, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने इस पे पूरा लेमन जूस डाल दिया है। और सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी इसमें कि इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे, अराउंड 1/2 teaspoon चाट मसाला। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर दूंगी फॉर 1 hour। उसके बाद हम इसका बैटर बनाएंगे और बैटर में इसको डिप करके हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेट करके मैं इसको छोड़ूंगी 1 घंटे के लिए। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे जितनी भी फिश हैं सारे पीसेस तक अच्छे से इस पर मसाला लग जाए। और मैरिनेशन जो आप इसकी करके छोड़ेंगे वो आप फ्रिज में रख के नहीं छोड़ेंगे, आप इसको जो है डायरेक्ट बाहर ही रूम टेम्परेचर के ऊपर रख के छोड़ेंगे। और इस स्टेज पे चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मैरिनेट करने के बाद 1 घंटे आप इसको फ्रीज़र में रख दें और जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई करके खाएं। और उसी टाइम आप बैटर इसका बनाइएगा जिस टाइम आप इसकी इसको फ्राई कर रहे होंगे।
ये देखें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है सारा मसाला इसके अंदर। अब मैं इसको एक घंटे के लिए छोड़ रही हूँ ढककर। अब मैं फ़िश का बैटर रेडी कर रही हूँ जिसके अंदर हम फ़िश डिप करके फ्राई करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए बेसन 1.5 कप, एक अंडा, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये मैंने मिक्सिंग बोल लिया है, मैं इसके अंदर सब चीज़ें ऐड करूंगी बैटर बनाने के लिए। ये मैंने बेसन डाल दिया है इसमें, अब मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ, उसके बाद रेड चिली पाउडर, अब मैं इसमें अंडा भी ऐड करूँगी। ये मैंने इसमें अंडा भी ऐड कर दिया है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसका हम अच्छा सा बैटर बना लें। बैटर हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं बनाना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला पतला बनाना है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा हो जिसके अंदर हम डिप करके फ्राई कर सकें। ये मैंने इसमें पानी ऐड किया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ कि इसके अंदर जो भी ये मोटे मोटे इसके लम्स हैं ये सब ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए इसका। अगर मुझे लगेगा कि बैटर अभी भी थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। ये आपकी अपनी, जिस टाइम आप ऐड कर रहे होंगे आप उस टाइम खुद ही चेक कीजिएगा इसकी कंसिस्टेंसी। मुझे भी काफ़ी थिक लग रहा है, देखें अभी मैं इसके अंदर अभी थोड़ा और पानी ऐड करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और मैं इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है कि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएं। ये देखें आप चेक कर लें इसका टेक्सचर, बस हमें इससे ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही इससे ज़्यादा थिक होना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, इसका बैटर थोड़ी देर के लिए रख के छोड़ दूँगी। ये आप देख सकते हैं मेरी मैरिनेटेड फ़िश और ये इसका बैटर। अब मैं फ़िश को जो है इसके अंदर डिप कर रही हूँ। ये मैंने फ़िश ली है और मैं इसके अंदर ये डिप कर रही हूँ। ये अच्छे से जब कोट करने के बाद मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। ये मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और ये गरम हो गया है, अब मैं इसके अंदर फ़िश को डाल के फ्राई करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने फ़िश का एक पीस फ्राई करके निकाल लिया है। इसी तरीके से मैं बाकी जितनी भी फ़िशेस हैं मैं सबको इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने 3 पीसेस जो है फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर बस थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी और इसे सर्व करूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और इस पर थोड़ा सा लेमन भी डालिएगा और हरी चटनी जो होती है उसके साथ सर्व कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी फ़िश। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।